इधर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर पिछले 5 वर्षों से पीडीएफ चावल में हो रही धांधली विरुद्ध खाद्य विभाग में ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि क्या यह मामला पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में पीडीएफ चावल की कालाबाजारी व धांधली का है, जिससे दलालों व बिचौलियों के द्वारा चावल की कालाबाजारी कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। इसके विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विगत कई वर्षों से रोक लगाने की मांग जा रही है। इसी धांधली के विरुद्ध खाद्य नियंत्रक विभाग के अधिकारी सीपी दीपांकर ने कहा कि हमें इस बारे में अभी तक किसी प्रकार की भी जानकारी नहीं है, अगर इस प्रकार की धांधली हो रही है तो पर्याप्त सबूत मिलने पर हमारे द्वारा जरूर कार्रवाई की जाएगी। हमने कई बार इनको ज्ञापन दिया कि पीडीएफ की चावल की बड़ी एक कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इनके द्वारा बार बार टाल दिया जाता था कि उसमें बोरा नहीं है, बगैर बोरा के कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस चावल में FRK मिला रहता है। प्रशासन और शासन के द्वारा आदरणीय श्री चाउर वाले बाबा रमन सिंह जी के द्वारा उनको मल्टीविटामिन के रूप में डाला गया था ताकि इसे ग्रोथ मिल जाएगा के। और आज आप देखेंगे ये विगत 4 से 5 वर्षों में एक भ्रष्ट सरकार के द्वारा इतनी उन्नति हुई तो प्रशासन भी भ्रष्ट हो गया। ये चावलों की ऐसी अथाह धांधली चलती है कि सीधा जनता से कंट्रोल में ही खरीद दिया जाता है। कंट्रोल से राइस मिलरों में या बीच में मार्केट में भरे पड़े दलाल हैं, इन दलालों के माध्यम के द्वारा ये सीधा चावल राइस मिलरों तक पहुंचता है और राइस मिलरों के द्वारा फिर से ये सीधा वहां पहुंच जाता है, FCI गोदाम। और शासन प्रशासन दोनों को इससे राजस्व का नुकसान है। चावल तो जितने हमारे प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं उनको बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा जो है आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जो है वितरण किया जाता है, और हमारा कोई भी दुकानदार उसमें जो है ब्लैक नहीं कर सकता है। जा करके उस चावल को जो है जरूर बेचते होंगे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, FRK चावल शासन के द्वारा जो है तो ये अपना अंत्योदय और प्राथमिकता कार्डधारियों को FRK मिक्स चावल ही जो है वितरण किया जा रहा है। हमारा PDS चावल की पहचान होने पर ही जो है PDS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जब तक जो है PDS प्रूफ नहीं होगा कि किस राशन दुकान का चावल है और कौन सा जो है तो माने दुकान में जो है कमी है, तब तक जो है तो उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती। जब तक प्रूफ नहीं होगा तो कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता। कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे जाएगा। नहीं, उनके जो मांगे हैं ना, मैं जो